हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सत श्री अकाल सारिआं नूं। किवें हो तुसीं सारे? मैं उम्मीद करदी हाँ तुसीं अपनी सेहत दा वधिया ध्यान रख रहे होवोगे ते पढ़ाई भी वधिया चल रही होएगी। आओ बच्चों, आप शुरू करते हैं सेकंड क्लास दी बुक वेलकम लाइफ दा 7th लेसन, 7वां पाठ। लेट्स लिव टुगेदर। आओ मिलके रहिए। ए पार्ट, हाउ डू वी कोऑपरेट इन आर फैमिली, परिवार विच मिलके किवें रहीदा है। बिफोर द स्टोरी बिगिंस, कहानी शुरू होने तो पहला, चिल्ड्रन विल सी द पिक्चर्स टू अंडरस्टैंड एंड लर्न अबाउट लिविंग टुगेदर। कहानी शुरू होने तो पहला बच्चे मिलके रहन संबंधी तस्वीरां देखेंगे, समझेंगे ते सीखेंगे भी। आओ देखिए, इस परिवार में सारे मिलजुल के सफाई कर रहे ने। एक कीड़िया मिलजुल के कट्ठे खाना लेके जा रही ने। एक पंछी अपना आलना बना रहे ने। इथे मिलजुल के सारे घर दे खेती का काम कर रहे ने। फॉर टीचर, अध्यापक ले नोट है गाय, टीचर विल टेल द स्टोरी एंड आस्क शॉर्ट क्वेश्चंस। अध्यापक बच्चों को कहानी सुनाएंगे अते उस तो बाद छोटे छोटे सवाल पूछेंगे। क्वेश्चंस कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू हिज हर कन्वीनियंस। ते जेड़े सवाल ने वो अपनी सुविधा अनुसार बदले भी जा सकते ने ते फिर पूछे जाएंगे। आओ देखिए केड़ी कहानी पढ़ांगे आपा। स्टोरी ऑफ मेलो, मेलो दी कहानी। There was a hole of ants in the corner of the house. किसे घर दे कोने विच कीड़ियां दा एक रैंड बसेरा सी। They lived a little ant named Melo. ते उथे उस विच एक छोटी जही निक्की जही कीड़ी रहंदी सी जिदा नां सी मेलो। She had two antlings, यानी कि उसके दो छोटे छोटे बच्चे सी। One day, Melo heard the gossips of the landlady. ते एक दिन मेलो ने उसके घर की मालकन दियां गल्लां सुनिया। She was saying to the women next to her, "We will separate from other family members." ते मालकन अपनी गुआंढन नूं दस रही सी, भैणे असी तां अड होना है। लिविंग सैपरेटली गिव्स हैप्पीनेस, अड होके बहुत सुख मिलता है। इट इज डिफिकल्ट टू लिव टूगैदर, इकट्ठे रह के बहुत औखे होंदे आ। मेलो हर्ड ऑल गॉसिप्स ऑफ लेडीज, औरतां दियां सारियां गल्लां मेलो ने सुन लिया। Melo also declared it to the other ants that she would get separate from them. Melo ne vi dusriyan keediyan vich ja ke eh elan karta vi main add hon lagiyan. All the ants advised her that it was not good to be taken in by humans. Sariyan keediyan ne samjhaya भी मेलो इंसानां दियां गल्लां विच आउणा ठीक नहीं। बट मेलो इग्नोर्ड देम, पर मेलो ने उन्हां दी इक ना सुनी, इक नहीं मनी। शी गॉट सेपरेटेड, ओ अड हो गई। नेक्स्ट डे मेलो गॉट अ क्रम ऑफ ब्रेड, अगले दिन मेलो नो एक रोटी दा टुकड़ा मिल गया। शी डिसाइडेड टू कैरी इट अलोंग, ते उसने ओ चुके ले जाण दा इरादा बनाया। पर द पीस वॉज हैवी, पर वो टुकड़ा बहुत भारी सी। शी वॉज टायर्ड, वो हफ गई चकदे चकदे। शी ट्राइड बट कुड नॉट कैरी द पीस, सारा जोर ला के भी वो टुकड़ा ना चुक सकी। शी थॉट इफ समवन कुड हेल्प हर, उसके मन विच आया भी जे कोई मेरी मदद करन वाला हुंदा। बट नो वन केम टू हेल्प हर, पर उसकी मदद ले कोई नहीं आया। शी लेफ्ट फॉर होम क्राइम, रोंदी हुई घर नू चल पई।
ऑल फैमिली मेंबर्स स्लेप्ट हंग्री दैट नाइट। उस रात घर विच सारे परिवार दे मेंबर भुखे ही सो गए। नेक्स्ट डे मेलो एंड हर एंटलिंग्स यूनाइटेड विद अदर एंट्स। अगले दिन मेलो दोवे बच्चों नू लैके बाकी सारिया कीड़िया विच जाके शामिल हो गई। दे गेव देम फूड। दूसरी कीड़िया ने उन्हां नू खाना दिता। चिल्ड्रन गॉट फ्रेंड्स टू प्ले। बच्चों नू अपने साथी मिल गए खेडन ले। चिल्ड्रन सेड टू मेलो, नाउ वी विल नॉट गो फ्रॉम हियर। ते बच्चों ने फिर मेलो नू कहा, हुण असी एथो नहीं जावांगे। वी डिड नॉट गेट फूड एंड फ्रेंड्स देयर। उथे सानू खाना भी नहीं मिलिया ते ना ही खेडन लई साथी मिले। मेलो एम्ब्रेस्ड हर एंटलिंग्स एंड सेड, नाउ वी विल लिव यूनाइटेड। इट इज गुड फॉर ऑल टू लिव यूनाइटेड। ते मेलो ने दोवे बच्चियां नू फड़ के गल नाल ला के कहा कि हुण असी हमेशा इकट्ठे ही रहांगे। बच्चो इकट्ठे रहना सब लई चंगा है। आओ कुछ क्वेश्चंस दे आंसर दईए। ओरल क्वेश्चन पहला, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एंट। कीड़ी दा की ना सी। उदा ना सी मेलो, MELO। दूजा, बाय Whose talking Melo was taken in? ओ किस दियां गल्लां विच आ गई सी? आ देखो, ओ आ गई सी लैंड लेडी दियां गल्लां विच। लैंड लेडी, मकान मालकन। आगे, Why could not Melo carry piece of bread? मेलो रोटी दा टुकड़ा क्यों ना चुक सकी? Because it was too heavy. देखो, piece was heavy, बहुत भारी सी। A2 बच्चों, आ वाला टू नहीं हुंदा, A2 हुंदा है बहुत ज्यादा। जेड़ा आपा 1-2 लिखते हैं उदे स्पेलिंग TWO हुंदे। अगला सवाल, Why did others not help her? उसकी मदद किसी ने क्यों नहीं की थी? Because she got separated. क्योंकि वो वक हो गई सी, इसलिए उसकी मदद करन कोई नहीं आया सी। What did aunt say to her antlings at last? अखीर च केड़ी ने अपने बच्चियां नू की कहा? Now we will live united. ते उन्हें कहा, it is good for all to live united. उन्हें कहा, now we will live united. असी सारे कठे रल के रहांगे ते it is good for all to live in unity. Yani ki ikatthe rehn vich hi sab da bhala hai. Aage, staying together at school. School vich milke rehna, ikatthe padhna, ikatthe khedna, ikatthe khana khana, te ikatthe hi hor kam vi karne school de. है कि नहीं? For teacher, अध्यापक ले, note है, the teacher will teach the children the following activities at school. अध्यापक बच्चियां नू स्कूल विच हेठ लिखियां क्रियावां करांगे। केड़ी केड़ी एक्टिविटी है, केड़ी केड़ी क्रिया है? पहली है, involve the children in the decoration of the classroom. थोड़े अध्यापक थोड़े द्वारा मिलके जमात दे कमरे नू सजाउणगे। डेकोरेशन यानी कि सजाना। दूजी, शेयरिंग फूड ब्रॉट फ्रॉम होम विद ईच अदर। ते घरों ले आया खाना एक दूजे नाल वंड के ओ भी सानू खाना चाहिदा है।
मैं उम्मीद करती हूँ तुम ये सारे काम स्कूल जा जानते होवोगे तो करते होवोगे रल मिलके। अगे वी आर ऑल वन, असी सब एक हाँ, कदे भी भेदभाव नहीं करना चाहिदा, कुड़ी होए मुंडा होवे कितों भी होए, कोई इंसान कदे भी भेदभाव नहीं करना चाहिदा। इत्थे दित्ती हुई है स्टोरी कहानी, आओ देखते हैं की है कहानी। देयर वॉज अ बिग रिवर, एक बहुत वड्डी दरिया सी। ऑन द ईदर साइड्स ऑफ द रिवर स्टूड टू थिक जंगल्स, ते उस दे दोवें पासे दो जंगल सी, घने जंगल सी। अ वाइज लायन रूल्ड ओवर द फर्स्ट जंगल, ते एक जिहड़ा जंगल सी उस विच एक सियाने शेर दा राज सी। एंड ओवर द सेकेंड वन रूल्ड अ डंकी, ते जिहड़ा दूजा जंगल सी उत्थे एक गधे दा राज सी। वंस द रिवर वॉज ऑन फ्लड, ते एक बार जेड़ी नदी सी, जेड़ी दरिया सी, उदे विच बहुत ज्यादा पानी आ गया, उदे विच बाढ़ आ गई। द वॉटर ऑफ द फ्लड ब्रोक थ्रू बोथ द बैंक्स ऑफ द रिवर, ते बाढ़ आ गई, ते पानी जो दरिया का सी वह दोवे किनारे तोड़ दिते, उन्हें ते इधर उधर फैल गया। आ देखो जे नदी है तो इधर ही रहेगी ना, जे बहुत ज्यादा पानी आ जाऊगा तो पार निकलना शुरू हो जाएगा इंज करके, ते तो जो दोवे पासे जेड़े सी वो जंगल सी, ते पानी इन्ना फैल गया कि जंगलों विच नू चलन लग गया। देयर वॉज अ ग्रेट वेलिंग इन बोथ ऑफ द जंगल्स, ते दोवां जंगलों विच हाहाकार मच गई भी पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया। इन द जंगल ऑफ द डंकी द पीपल वर ऑलरेडी फाइटिंग ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, अजे पानी की समस्या का बाद की गल सी, गधे वाले जंगल विच पहला ही जड़े लोग सी वो धर्मां पिछे आपस विच लड़ रहे सन। द ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स यूज टू लुक डाउन अपॉन ईच अदर, ते उथे गधे वाले जंगल विच वक् वक् जानवरां दे वर्ग एक दूजे तो बहुत खार खांदे सी, तो हमेशा एक दूजे नू नीवा होके देखते सी भी ये मेरे वर्गा नहीं है, ये वक् है। दे वुड फाइट विद ईच अदर वेन एवर दे गॉट अ सिचुएशन, ते जद भी उन्हां नू मौका मिलता सी वो एक दूजे नाल लड़न लग जांदे सी। इवन इन द क्राइसिस दे वर ब्लेमिंग ईच अदर फॉर ब्लॉकिंग द फ्लड वॉटर, हुण भी जब पानी बाहर आ गया नदी तो, ते इस मामले विच भी वो एक दूजे नू ही दोष दे रहे सी भी तेरे करके होया नहीं तेरे करके होया। इन द अदर पार्ट ऑफ द जंगल द वाइज लायन डिड नॉट लेट एनी एनिमल्स टू फॉर्म सच ग्रुप्स, ते दूसरे पासे सियाने शेर ने किसे भी वर्ग विच वंडन नहीं दिता किसी भी जानवर नू अपने आप नू। ही ऑलवेज प्रोवोक्ड ऑल द एनिमल्स टू रिमेन यूनाइटेड, ते उहो हमेशा सारे जानवरां नू एक होण दी सिख्या दिंदा सी। दिस वॉज द रीजन दैट ऑल द एनिमल्स ऑफ हिस जंगल लिव्ड इन हारमनी, यही कारण सी कि उस जंगल दे शेर दे राज वाले जंगल दे सारे जानवर एक दूजे नाल मिलके रहंदे सन। वेन द पैरट्स गॉट द न्यूज ऑफ ब्रेकिंग द बैंक्स ऑफ द रिवर दे फ्ल्यू ओवर द जंगल एंड गेव एन अलार्म टू अलर्ट द एनिमल अबाउट द डेंजर, ते जदों तोतियां नू दरिया दे तट टूट जाण दा पता लग गया तां उन्होंने सारे जंगल विच शोर मचा के पानी दे टूट जाण बारे दस दिता, क्योंकि सब तो पहला वह तेजी नाल उड़ के चले जाते ने अंदर। ऑल द एनिमल्स गॉट टूगैदर टू रिपेयर द डैमेजिस, ते फिर सारे जानवर मिलके ओह जिहड़ी पार सी जिहड़ा हिस्सा टूटिया सी ओनू ठीक करन विच लग गए। एंड टिल इवनिंग दे फिनिश द रिपेयर, ते शाम तक
सारा काम हो भी गया, पूरा भी हो गया। इन द जंगल ऑफ द डंकी ऑल द ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स केप्ट क्वरलिंग ऑन द नेम ऑफ रिलीजन एंड ट्राइब्स। जी मैं गल करा गधे दे राज वाले जंगल विच सारे जानवर आपस विच धर्मां ते वर्गां दे नां उत्ते लड़दे रहे। एंड इन द मीन टाइम द वॉटर एंटर द होल टेरिटरी। अजे वो लड़ ही रहे सी ते हौली हौली पानी सारे जंगल विच भर गया। ऑल द बच्चों स्पेलिंग THE आएगा एनिमल्स अलोंग विद द डंकी सैंक इन द फ्लड वॉटर एंड डाइड। इस पानी विच गधे समेत सारे जानवर डूब के मर गए क्योंकि वो आपस विच लड़ते ही रहते सी। ठीक है, ते शेर दे जंगल विच उन्होंने ठीक भी करता, समस्या का सल्यूशन भी कढ़ता, ते खुशी खुशी अगे भी रहने लग गए। ओरल क्वेश्चन पूछे गए ने सवाल। पहला, हु रूल्ड ओवर द फर्स्ट एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द जंगल। दोवें जंगलों विच किस किस दा राज सी। पहले जंगल विच आ देखो, अ वाइज लायन रूल्ड ओवर द फर्स्ट जंगल। तब पहले जंगल विच आपा लिख दांगे लाइन, ते दूजे जंगल विच डंकी, गधे दा राज सी। दूजा, इन हूज पार्ट ऑफ द जंगल एनिमल्स लिव्ड इन हार्मनी। केड़े राजे दे जंगल विच सारे जानवर मिलके रहंदे सी, लाइन दे। तीजा, वॉट डिड ऑल द एनिमल्स इन द डंकीज जंगल डू वेन द फ्लड केम। यानी कि जदो पानी बहुत ज्यादा वध गया ता गधे दे जंगल विच सारे जानवर की कर रहे सी, फाइटिंग, लड़ रहे सी दूजे नाल। चौथा, व्हाट डिड द एनिमल्स इन द लायंस जंगल डू। पानी आउंदे शेर दे जंगल वाले जानवरां ने की किता, got together to repair the damages. They got together, कठे हो गए, to repair, ठीक करन ले, the damages, जो भी खराब होया सी, सारे जानवरा ने मिलके वो ठीक करता। How do we live? असी किवें रहिंदे आ? Harmony विच, प्यार नाल, harmony with love. Should we live like the animals of donkeys jungle or lions jungle? की सानू गधे दे जंगल वाले जानवरां वांग रहना चाहिदा है या शेर दे? तो इहदा आंसर आ जाएगा लायंस जंगल। जिवें शेर दे जंगल दे लोग रहिंदे ने, सानू भी उवें ही प्यार दे नाल रहना चाहिदा है। ठीक है बच्चो, ते ए हो गई अज दी क्लास। मैं उम्मीद करदी हां तुहानू बहुत कुछ सीखण नू मिलिया होएगा। हुण आपां अगली क्लास च मिलांगे। तद तक ध्यान रखियो कि सारिया नाल प्यार नाल रहना। टेक केयर।